नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सेवक इन्फो में। तो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा रेल की में जो पोस्ट निकल कर आई है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले से आज दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर पोस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, और साथ ही बेल के बटन को आपने प्रेस ऑन कर लेना है जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज बात करते हैं जो रेलवे की ओर से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आज बता दूँ मैं, रेलवे RRB यानी कि NTPC रिक्रूटमेंट दोस्तों आया है, फॉर्म चल रहे हैं जो इसके लास्ट डेट अभी कुछ दिन बाकी हैं। तो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक कोई फार्म इसको नहीं फिल किया तो उनके लिए भी अभी डेट बची है, तो अपना फार्म जो कह सकते हैं तो अप्लाई कर दे। तो पूरी जानकारी के साथ दोस्तों चलते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट की बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहले 31 मार्च है, उससे पहले पहले आपने फार्म अप्लाई कर देना है। तो और इसका जो एग्ज़ाम वगैरह होना है दोस्तों, आप दे सकते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं जून सितंबर के फर्स्ट में होना है, यानी कि जून और सितंबर के बीच में उसका एग्ज़ाम होना है। जून में इसमें जो एडमिट कार्ड अभी आ जाएंगे। तो इसके जर्नल की फीस दोस्तों इन्होंने 400 बताई है वेबसाइट वाले ने, परंतु ये फीस एक्चुअल में जर्नल और OBC की 500 रुपये है, जो मन्योटी में नहीं आते, जो मन्योटी में आते हैं उनकी फ़ीस जो 250 रुपये है, SC ST की 250, और ऑल फीमेल कैटेगरी की जो फीस रहेगी 250 रुपये रहेगी। और जो आपने फ़ीस कटवा देनी है इंटरनेट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के साथ आपने फ़ीस कटवा देनी है दोस्तों, और आप जो फ़ीस कटवानी है आप दे सकते हैं, इनका रिफंडेबल भी आपको मिलेगा जब आप एग्ज़ाम करके आएंगे दोस्तों। उसके बाद आप रिफंड होगा तो आपने फार्म भरते वक्त अपना ही अकाउंट नंबर फार्म में देना है, तो जिससे क्या होगा आपको रिफंड मिल सकेगी। तो चलते हैं दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ 35,277 इसके पद हैं। तो इसके कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज वगैरह है, वो भी आप जान लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं, आप इधर देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट नेम, पोस्ट क्या है, कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, और एज लिमिट इसमें क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे आप ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह यानी डिग्री किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई की हुई है दोस्तों। तो इसके में जो आप देख सकते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, मास्टेशन मास्टर दोस्तों, गुड्स गार्ड, ये आपको मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों ये पोस्ट नेम है, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये वैकेंसी है, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी बताऊँ तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अभी एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम में अपने जो ग्रेजुएट किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो इसकी जो एज लिमिट की बात करूँ मैं तो आप कह सकते हैं दोस्तों 18 से 33 के बीच में होने चाहिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं 18 से 33 के उनके बीच होने चाहिए एज। तो ऐसे ही जो एज में जो रिलेक्शन है SC और OBC को आपको एज रिलेक्शन जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसा ही आप देख सकते हैं इसमें जो जैसे ही टाइपिस्ट वाली पोस्ट है इसको ध्यान में रखना है अपने, जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है वो आपने इसमें जो एनी डिग्री के साथ आपका जो टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा कंप्यूटर में, हिंदी और इंग्लिश में होगा, वो आपने देख लेना है। तो इस ठीक है, तो फार्म भरते जिस सभी पोस्ट एक साथ भरी जाएंगी, इसका जो रेफरेंस होता है वो आपको 1, 2, 3 में कोडिंग में आपको देना पड़ता है, जो आप फर्स्ट आपकी फैसली चॉइस क्या होती है वो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही दोस्तों क्लर्क की है पोस्ट दे सकते हैं आप, सीनियर टाइमकीपर की है, ठीक है, ट्रैफिक स्टेशन की है दोस्तों, इनके लिए सभी के लिए भी कह सकते हैं बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम में होनी चाहिए। जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसके साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी जरूर होगा, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी जान लेते हैं जो प्लस टू लेवल में आप वैकेंसी है, जो कैंडिडेट ने प्लस टू की है तो उनके लिए भी इसमें रेलवे की ओर से वैकेंसी निकल कर रही है। जैसा ही आप कह सकते हैं टिकट क्लर्क दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसके जो कैंडिडेट प्लस टू पास हैं उन वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें प्लस टू में कम से कम दोस्तों 50% आपके मार्क्स हैं। तो इसमें और साथ में एज में बताऊँ तो आप देख सकते हैं जो टिकट पोस्ट का नाम इसमें है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इसमें टोटल पद बताऊँ 4,940 में टोटल पद हैं, और इसमें जो एलिजिबिलिटी आपको चाहिए प्लस टू पास होनी चाहिए, तो 100% आपका 50% नंबर के साथ होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसमें जो एज की बात करूँ तो 18 से 30 आपकी जो एज होनी चाहिए, जो SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं उनको जो एज इलेक्शन मिल जाती है इसमें। तो
इनमें भी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पोस्ट देखते हैं इसमें जो प्लस टू के लेवल और कौन कौन सी पोस्ट है। ऐसे ही अकाउंट्स क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट है और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का और जूनियर टाइम कीपर। और जो मैं इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इनमें साथ में आपको प्लस टू के साथ 50% के नंबर के साथ आपका जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर में होगा, आपका इस चीज़ ध्यान रखना है कि जो जो आप फर्स्ट रेफरेंस देते हैं वो टाइपिंग टेस्ट होगा, एज वगैरह सेम रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं आगे में जो ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, इसमें भी दोस्तों आप 592 इसमें पद है और प्लस टू पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी दोस्तों प्लस टू की है उनकी जो एज वगैरह कह सकते हैं आती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो रेलवे ने एक बार फिर बड़ी भर्ती निकाली है, इसका आपने दोस्तों लाहा ले लेना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जो इनकी जो जोन वगैरह हैं, जो जोन में कितनी कितनी पोस्ट रखी गई हैं, जैसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग जो से जोन का नाम आप इधर फ्लैश हो रहा है और जोन नेम वगैरह क्या है, जोन में जर्नल की वैकेंसी कितनी है, SI SC में कितनी है, ST में कितनी है और OBC कैटेगरी में, ES की में टोटल वैकेंसी दोस्तों आप भी देख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे दोस्तों आपके, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपने अप्लाई कर देना है। जैसे ही NR चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में जो अप्लाई करना चाहता है इसमें जर्नल की इतनी पोस्ट आएगी 1014 और SC की 371। आपने इस अच्छे से जोन का देख रहा आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है फिर ही अप्लाई करना। तो दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा, उधर जाकर अच्छे से रीड कर लेना है। अगर दोस्तों आपका फिर भी कुछ सवाल रहता है प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे क्या होगा दोस्तों हमारा मनोबल जो बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाकर लेके आते हैं। और हमारे बेल को दोस्तों वो सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन होता है प्लीज़ उसको जरूर प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा कई बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम जब कोई वीडियो डालते हैं आपको नहीं पता चलता, तो प्लीज़ उसके भी आपने ऑन कर लेना है, जिससे जब भी हम वीडियो को डालें आगे तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपको मोबाइल पर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय जी, टेक केयर।